हेलो एवरीवन वेलकम टू बीपीडिया आई एम सार्थक सीनियर फैकल्टी अबी पीडिया तो आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पर हम इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं राइट दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम ऑफ एस एस सी नॉट ओनली जस्ट इकोनॉमी सिर्फ इकॉनॉमी ही नहीं जितने भी इंपॉर्टेंट रिलिवेंट टॉपिक्स हैं अपने एस एस एग्जाम के लिए फिर चाहे वो आपका क्वांट हो रीजनिंग हो राइट जी के अंदर बाकी टॉपिक्स हो आपके पॉलिटी हिस्ट्री और भी जितने भी टॉपिक्स हैं फिर चाहे वो टीयर वन टीयर टू ईच एंड एवरी थिंग इज कवर्ड बाय अभीपीडिया अभीपीडिया सब कुछ कवर कर रहे हैं आपके लिए ऑल वी वॉन्ट इन रिटर्न इज जस्ट यू टू कीप फॉलोइंग अभीपीडिया अभीपीडिया को फॉलो कीजिए और आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं ईच एंड एवरी थिंग विल बी प्रिपेयर साइमल्टेनियसली साथ के साथ सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न ये वाले जो एम हैं, राइट right? बहुत ही अच्छे एम हैं काफी बार एग्जाम के अंदर भी आए हुए हैं इनफैक्ट यहाँ से ही आपको आपके जो अभी एग्जाम होगा एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसी वीडियो से दिख जाएगा आपको राइट तो बहुत ही क्रूशल वीडियो है इसको पूरा एंड तक देखना है आपने राइट ओके सो बिफोर स्टार्टिंग आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू शेयर विद यू विच इज दिस वॉट इज दिस अगर आप एक कोर्स सर्च कर रहे हैं एस एस एग्ज़ाम के लिए सो दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू राइट अभी पी ने आने एस एस सी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है राइट right? जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर वीडियो लेक्चर्स राइट पी की बात करें हम टेस्ट सीरीज की बात करें इनफैक्ट डेली टेस्ट वीकली टेस्ट सब कुछ कवर्ड है और साथ साथ करंट अफेयर्स राइट एंड द बिगेस्ट थिंग इंक्लूडेड अंडर दिस इज़ द मेंटरशिप राइट right. आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करी जा रही है फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करी जा रही है अंडर दिस कोर्स राइट वो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है और बहुत ही क्रूशल चीज होती है मेंटरशिप विच मेक्स श्योर जिसकी कि भाई आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं सही टॉपिक पढ़ रहे हैं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे एंड देर आर अ लॉट ऑफ अदर नीटिग्रिटीज एचुअल जो कि इंश्योर किया जाता है मेंटरशिप के थ्रू कि आप वो वाली चीज़ों में ना पढ़ के आप जो टाइम एंड एफर्ट अपना लगा रहे एग्जाम के लिए उसका रिटर्न आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा ही मिले क्लियर है सो ऑल दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट इनिशियली ये सेवेंटी फाइव हंड्रेड में था विच इफ यू आस्क मी बहुत ही कम है कंपेयर टू द कंटेंट बींग प्रोवाइडेड बट आई सिंक ऑन द केक अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्काउंट के ऊपर फोर के अंदर अवेलेबल कराया जा रहा है फाइव थाउजेंड भी कंप्लीट नहीं है फोर ट्रिपल नाइन के अंदर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा राइट इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है राइट जस्ट जस्टेक तो ओके इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथ में एक सपोर्ट नंबर ही प्रोवाइडेड है उस पर आप कोई भी क्वेरी है आप कॉल करके अपनी रिजॉल्व कर सकते हैं एंड वन मोर थिंग ये जो आपका कोर्स है ये सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं एसएससी के जो बाकी एग्जाम्स हैं उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले है राइट तो बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है मस्ट रिकमेंडेड कोर्स है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट राइट एंड अपार्ट फ्रॉम दट दिस वन मोर थिंग दिस व्हाट्सएप ग्रुप राइट इसका लिंक बाय द वे नीचे बायो में मिल जाएगा आपको अब क्या है व्हाट्सएप ग्रुप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल एबसोल्यूटली फ्री कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे इस ग्रुप के अंदर इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप आपकी एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क अस राइट एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है यू कैन जस्ट फ्रीली आस्क अस एंड इट विल बी रिजॉल्व देर एंड देन यर सेल्फ राइट अभी भी पूरा टाइम लगा के पूरी मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम इसको आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की ट्राई करेंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई चार्ज नहीं है राइट यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस ग्रुप ऑल राइट सो नाउ विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन लेट स्टार्ट अवर टूडेज लेक्चर राइट आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज राइट लेट मी रिमाइंड यू द प्रोटोकॉल जैसी क्वेश्चन देखते हैं वीडियो को करना है आपको पॉज राइट right? वीडियो को पॉज करना है और खुद अटैम्प्ट करना है खुद आपको क्वेश्चन ट्राई करने 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 की करने की स्टार्ट ट्राई करनी है राइट एंड देन यू नीड टू कंटिन्यू राइट आपको फिर चेक करना है वीडियो को प्ले करना है आपको देखना है कि आपका आंसर करेक्ट था या इनकरेक्ट इफ इट वॉज करेक्ट राइट इफ द आंसर वॉज करेक्ट वेल एंड गुड अगर वो इनकरेक्ट था तो आपको चेक करना है कि आपने कहाँ गलती करी है क्या आपकी कोई सिली मिस्टेक तो नहीं थी या फिर कुछ या फिर आपको टॉपिक पढ़ने में ही दिक्कत हुई जो भी है वहीं पे उसको ठीक करना है उस वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगी राइट सो दिस इज द प्रोटोकॉल दैट यू नीड टू फॉलो थ्रू आउट दिस वीडियो ऑल राइट सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट हमेशा ध्यान देना है कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट चीज पूछी आपसे सी यहाँ पर पूछा नॉट हमेशा क्वेश्चन को दो बार पढ़िए सो दैट ये ना हो कि आपको चीजें आती होने के बाद भी सिली मिस्टेक करके आए और क्वेश्चन गलत करके आ गए राइट ऑप्शन है ए होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बी मैनी बायर्स एंड सेलर्स सी प्राइस सेटिंग्स पावर फॉर इंडिविजुअल फर्म्स राइट एंड डी फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स ऑल राइट सेक ठीक yes. तो परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं इसका आंसर देखते हैं पहले तो <coughs> क्या मैनी होमोज़ेनिस प्रोडक्ट्स होता है प्राइस सेटिंग पावर फ्र नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट येस तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी राइट आप देखते हैं परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट क्या होती है राइट परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में सी पहली चीज तो ये कि कंपटीशन जो है ना इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होता है राइट right. कंपटीशन किसी भी मार्केट के लिए या इकोनॉमी के लिए रादर बहुत जरूरी चीज है अगर एक कई सारी फॉर्म्स हैं आपस में कंपीट करेंगी किसी मार्केट के अंदर उसका फ़ायदा क्या होगा उसका फ़ायदा ये होगा कि जो प्राइस होगा राइट चीज़ों का प्राइज़ इन सारी चीज़ों की क्वालिटी में भी वो बहुत ही सही रहेगा मतलब प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और क्वालिटी भी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा बिकॉज तभी जो है उनके प्रोडक्ट सेल होंगे नहीं तो अगर मान लो उन्होंने अपनी एक कंपनी ने प्रोडक्ट महंगा कर दिया ठीक है तो उसी टाइम अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी प्रोडक्ट्स की बहुत सारे कंपिटीटर्स होंगे तो उसी टाइम इमीजिएटली जो बायर्स हैं वो शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे आपके सेलर्स के ऊपर बिकॉज उनको सेम प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे कहीं और मिल रहा है तो वो मूव कर जाएंगे राइट right? तो ये आपके फीचर्स होते हैं कंपटीशन की मतलब तो इंपॉर्टेंस होती है एंड एज फार एज इज परफेक्टली कम्पिटिटिव वर्ड मार्केट इज कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है इसका कि नो एक्सटर्नल कंट्रोल नो एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट एज सच कोई रेगुलेशन नहीं लगाती इस पर गवर्नमेंट एज सच कोई रेगुलेशन नहीं करती इसके अंदर चीजें डिसाइड कहा से होती हैं सिंपली डिमांड एंड सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई राइट डिमांड और सप्लाई के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं चीजेंट फोर्सिस है मार्केट yes no? तो जो, जो है वो डिसाइड कर रखी होती है भाई कितनी डिमांड चाहिए कितनी सप्लाई है ऑल दीज थिंग्स डिसाइड्स क्लियर है आई होप ये समझ में आया होगा तो एक और चीज और फीचर्स क्या होंगे इसके कि एंट्री और एग्जिट होगी जो <coughs> कैसे मतलब और वो बहुत इजी होगी कोई भी कोई भी कंपनी एंट्री कर सकती है कोई भी एग्जिट कर सकती है क्लियर है कोई भी एंट्री कर सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसके अंदर सारे के सारी फॉर्म्स को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको मार्केट में कोई रोक नहीं रहा आप अपने प्रोडक्ट्स खुद लॉन्च कर सकते हैं जैसे मर्जी करिए आपको पूरी फ्रीडम है तो वहां पर क्या होगा आपका एंट्री भी आप जैसे मर्जी लीजिए एंड एग्जिट भी आप किसी भी टाइम कर सकते हैं मार्केट से

बेसिकली जो बायर है वो प्राइस मेकर है और जो सेलर है वो प्राइस टेकर है इसके अंदर क्लियर है तो राइट आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आंसर वो ऑप्शन सी ओके सी नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी मेजर्स व्हाट वॉट राइट जीडीपी क्या मेजर करता है ऑप्शन है आपके ए टोटल इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स इन इकोनॉमी, ऑप्शन बी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑप्शन सी टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इम्पोर्ट्स या ऑप्शन डी टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी राइट अब जी डी पी एज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने एग्जाम के लिए बट एट द सेम टाइम ईजियर टॉपिक भी है अगर आप चीज़ों को समझ के करो तो जब भी मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट है इसका यह मतलब ना कि चीज़ें टफ है इम्पॉर्टेंट है, है मतलब एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है क्लियर है तो इस वे में है एंड एज फॉर ए जी डी पी इज कंसर्न जी डी पी क्या होता है इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं राइट right? तो इट इज द फाइनल वैल्यू फाइनल मॉनिटरी वैल्यू फाइनल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी राइट डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ गिवन स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन अ गिवन स्पेसिफिक टाइम पीरियड दीज आर द की वर्ड्स ये सब ना की वर्ड्स है आपके स्पेसिफिक टाइम पीरियड डोमेस्टिक टेरिटरी फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दीज आर ऑल द की वर्ड्स राइट अब यहां पर क्वेश्चन की बात करूं तो क्या आंसर होगा इसका ऑप्शन बी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड राइट यहाँ पर आपको एक चीज समझनी बहुत ज़रूरी है कि जीडीपी जो होता है अपनी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया के जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर आप उनकी मनी की टर्म से वैल्यू निकालें मार्केट वैल्यू निकालें और उन सबको ऐड करें तो वो निकलता है आपको और एक हाँ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर नॉर्मली एक साल के अंदर देखा जाता है अगर आप उन सबको ऐड करें तो जो वैल्यू निकल के आती है उसको बोलते हैं क्या जीडीपी अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो इंडिया की टेरिटरी में वहीं फॉर एग्जाम्पल अगर प्रियंका चोपड़ा जैसे वो यू में रह रहे हैं और अगर वहाँ से वो जो भी पैसे अगर इंडिया के अंदर अपनी कम, अपनी फैमिली के पास भेज रहे हैं क्या वो भी जी में काउंट होगा तो आंसर है नो बिकॉज वो इंडियन टेरिटरी में नहीं वो यूएस की टेरिटरी में बैठ के पैसे वहां से कमा रहे हैं और यहीं अगर कोई फॉरन नेशनल इंडिया की टेरिटरी के अंदर आई कंपनी स्टेब्लिश करते हैं तो जो वो पैसे वहाँ जो जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे उसकी मॉनिटरी वैल्यू इंडिया की जी में काउंट होगी क्लियर है आई होप ये चीजें समझ में जरूर आई होंगी आपको ओके सी नेक्स्ट क्वेश्चन

सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली ऑप्शन बी ओपन मार्केट ऑपरेशन ओ एम ओ इज अ टूल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी यस और नो आ रही बात समझ में क्वालिटेटिव टूल एंड क्वान्टिटेटिव टूल जो होते हैं दो टूल होते हैं मॉनिटरी पॉलिसी के और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है आपका एक क्वान्टिटेटिव टूल है क्वान्टिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का विच इज फॉर्म बाय आर बी आई क्या पर्पज होता है मॉनिटरी पॉलिसी का इट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी वो क्यों जरूरी होता है उससे इक्रम बना रहे मार्केट के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू अल्टीमेट एम क्या होता है मॉनिटरी पॉलिसी का इकोनॉमिक ग्रोथ राइट right? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ के साथ आपको बता रहा हूं क्योंकि क्या पता यही आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए राइट ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी एंड आई होप आप सब करेक्ट आंसर कर रहे होंगे अभी तक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फ्लेशन अगला क्वेश्चन है इन्फ्लेशन के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपसे इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पूछ रहे इनमें से क्या चीज इन्फ्लेशन को डिफाइन कर रही है इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज ए अ डिक्रीज इन द ओवरऑल प्राइज लेवल बी एन इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइज लेवल सी अ डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट और डी एन इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट राइट सो वॉट विल बी द करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर होगा इसका उसके लिए सीधे सीधी बातें आपको देखना है कि इन्फ्लेशन क्या होती है इन्फ्लेशन बेसिकली इज द राइज इन द जनरल प्राइस लेवल और वो होती क्यों है डिमांड और सप्लाई राइट डिमांड और सप्लाई इनके अंदर जैसी इनका जो इक्रिदम है अगर वो भी बिगड़ता है मतलब कि आपकी लट से कि आपकी डिमांड बढ़ गई और सप्लाई क्या है आपका लिमिटेड है सप्लाई नहीं बढ़ा कॉन्स्टेंट है तो उस केस में क्या होएगा चीजें क्या हो जाएंगी महंगी हो जाएंगी अगर आपको ये कंसेप्ट समझना है तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो अबाउट इट यू कैन लुक इनटू दैट अब वो वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी इन्फ्लेशन के ऊपर आप उस वीडियो को देख सकते हैं जब मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि इन्फ्लेशन कैसे वर्क करता है एंड ऑल दैट ठीक है तो वॉच दो दैट वीडियो ओके सो क्या बता रहा था मैं आपको कि डिमांड अगर बढ़ जाए और सप्लाई लिमिटेड हो तब इन्फ्लेशन आती है एंड एज फार दिस क्वेश्चन इज कंसर्न द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन पी राइट इजी क्वेश्चन था आई होप सबने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा राइट right? थोड़ी आज तबीयत डाउन है आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए मौसम थोड़ा ऐसे ही है जब चेंजिंग वाले जो वेदर आते हैं इसी में तबीयत खराब होती है तो ड्रिंक एज मच एज लिक्विड एज पॉसिबल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिसेशन राइट आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि रिसेशन वर्ड जो होता है बहुत सुनते हैं रिसेशन चल रहा है रिसेशन चल रहा है अब आपसे क्वेश्चन इसी ऊपर है कि इनमें से कौन सा रिसेशन की कैरेक्टरिस्टिक है ऑप्शन है आपके ए हाई इन्फ्लेशन ऑप्शन बी डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑप्शन सी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ या ऑप्शन डी राइजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑल राइट अगर मैं आपसे बात करूं रिसेशन तो टेक्निकल टर्म्स में रिसेशन क्या होता है कि अगर ये क्या है आपकी बिजनेस साइकिल है Normally business cycle हमेशा ऐसे ही चलती है कि एक बार 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 आ आ आ गई आपकी फिर down आएगा, फिर उठेगी, फिर down आएगा, फिर उठेगी, फिर, उठेगी, फिर आएगा 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 उठेगी उठेगी तो ये अगर दो दो ऐसे ऐसे चल जाए 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 इस चीज को क्या बोला जाता है रिसेशन बोला जाता है तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द गि ऑप्शन सी दैट इज नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव चला जाना जीडीपी ग्रोथ रेट का उसको बोलते रिसेशन राइट स्लो डाउन आ गई मंदी आ गई इकोनॉमी के अंदर हिंदी में इसको बोला जाता है तो दैट इज वॉट इज नेगेटिव जी डी पी ग्रोथ रेट राइट सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लॉरेंस कर्व द लॉरेंस कर्व इज यूज टू रिप्रेजेंट वॉट अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है तभी आपके सामने लेके आया हूं मैं ये ओके ऑप्शन ए रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑप्शन बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन पॉपुलशन ऑप्शन सी द रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल रियल जी डी पी ऑप्शन डी द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन फ्लेशन ओके सो लॉरेंस कर्म सिंपली क्या बताता है लॉरेंस कर्म बेसिकली इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बताता है इनकम इन इक्वालिटी ओके इनकम इनक्वालिटी का मतलब क्या होता है <coughs> जैसे इंडिया के अंदर आपको दिखती है इन, इनक्रेबिलिटी हमारे यहाँ पर क्या है कि जब टोटल इनकम है लेट्स हंड्रेड परसेंट जो इनकम है और जो हमारी हंड्रेड परसेंट जो पॉपुलेशन है कितने परसेंटेज पॉपुलेशन कितनी परसेंटेज इनकम होल्ड कर रही है अगर बराबर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बराबर परसेंटेज ऑफ इनकम होल्ड करे तो वो इनकम इक्वलिटी रहेगी बराबरी रहती है बट हमारे यहाँ पर क्या है कि नाइन्टी जो इनकम जो है टोटल इंडिया की इन पॉपुलेशन का सिर्फ दस परसेंट जो है वो नाइनटी परसेंट ऑफ इनकम होल्ड करके बैठा है राइट तो इसको बोलते इनकम इनइक्वालिटी और लॉरेंस कर्व यही मेजर करके बताता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज होल्डिंग ऑन टू हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम राइट सो आपके जो आंसर है इसका क्या होगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन एक मिनट ओके जस्ट सेक ओके सो लेट अस सी बाय ऑप्शन बाई ऑप्शन देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड नो द रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जी नो द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन पॉपुलेशन येस तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन बी राइट ओके सो अच्छा बाई वे इसको ड्रॉ करने के अगर मैं बात बताऊँ आपको तो अगर ग्राफिकली ड्रॉ भी करा जाए तो इस हिसाब से ड्रॉ करते हैं सी लॉरेंस कर्व यहां पर मान लो आपकी आएगी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यहां पर आएगी आपकी परसेंटेज ऑफ इनकम अगर परफेक्ट इक्वालिटी होगी तब क्या होती है स्ट्रेट लाइन ड्रॉएगी कि बराबर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज होल्डिंग द इक्वल परसेंटेज ऑफ इनकम बट जनरली क्या देखा जाता है इसी हिसाब के कर्व देखे जाते हैं राइट right? तो जितना ये परफेक्ट इस लाइन इक्वालिटी से दूर होता चला जाएगा ये डेप्थ बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है राइट right? और इस एरिए को मेजर करने के लिए किस चीज का यूज होता है किस कॉफिशियंट का गिन्नी कॉफिशियंट का राइट right? अपने एग्जाम के लिए इतना जानना बहुत है अगर आपको ये चीज समझ में आ गई दिस इज इनफ अगर लॉरेंस आपसे क्वेश्चन आएगा तो अब यू नाउ यू विल बी एबल टू डू दैट और इनफैक्ट गिनी ऑफिशंट भी आपसे पूछा जा सकता है तो वो भी अब आपको पता होना चाहिए राइट एंड आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन सी आंसर इज बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाय चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनमी राइट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है सेक, ओके सो यस अब स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी की अगर बात करें चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकॉनॉमी तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ए का जमाना आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो इसमें होगा क्या अगर जो ह्यूमन रिसोर्स है जो बंदा जो एम्प्लॉयड है अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में जो स्किल्स रिक्वायर्ड सेट जो रिक्वाड कर रहे, और नहीं कर रहे तो होगा तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं जब अगर आपका मैच ना करे जो रिक्वायर्ड स्किल सेट आपकी इंडस्ट्री में चल रहा हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर आपका अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ देंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनॉमी तो जो भी अनएंप्लॉयमेंट होती है उसको बोला जाता है क्या स्ट्रक्चरल अनएलॉयमेंट सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी आपको एग्जाम्पल्स इसीलिए बताए सो दैट आपको समझ में आ जाए याद हो जाए कि भाई स्ट्रक्चरल चेंज होने का मतलब क्या है यहाँ पर क्योंकि आपसे वैसे जिस एंगल से मैंने आपको समझाया अभी उससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर आपका स्किल सेट मैच नहीं कर रहा राइट जो इकॉन मार्केट के अंदर स्किल सेट चाहिए आपका स्किल्स सेट उससे मैच नहीं कर रहा तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को बिकॉज क्या बोलेंगे आप तो इट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट राइट आई होप चीजें समझ में आगे होंगी फ्रिक्शनल इंप्लॉयमेंट नो साइकिल नो सीजनल नो ये भी हम क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लेंगे इनको भी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ऑल दीज थिंग नेक्स्ट क्वेश्चन द फिलिप्सिप बिटवीन राइट फिलिप्स कर्व ऑप्शन है इन्फ्लेशन एंड अनुप्लॉयमेंट ऑप्शन बी इंटरेस्ट रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सी गवर्नमेंट पेंडिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑप्शन डी एक्सचेंज रेट्स एंड ट्रेड बैलेंस इसका आंसर ही देख लेते हैं पहले इसका करेक्ट आंसर है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट राइट सो नाउ अस सी व्हाट डस फिलिप्स कर्व एक्चुअली मेक्स यू अंडरस्टैंड अगर मैं बात करूँ फिलिप्स कर्व की इम्पॉर्टेंट करव ऐसी लॉरेंस कर्व फिलिप्स कर्व दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिकरिंग क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आते रहते तो इसलिए बताया आपको तो ये सिंपली आपका इन्फ्लेशन <coughs> और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन बताता है आपको व्हाट डज इट से एक इन्वर्स पैराबोला बनेगा ऐसे पहली बात तो ये कहता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है इट से जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी आपकी जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन इंक्रीज होएगी और प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना जॉब्स बढ़ेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होएगी आपकी डिक्रीज होएगी दिस इज वॉट इज टोल्ड बाय फिलिप्स कर्व राइट बट एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है यहां पर कि ऐसा भी नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाए प्रोडक्शन भी बढ़ती चली जाएगी एक पॉइंट के बाद जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए तब भी आपकी क्या होगी डिमांड डिक्रीज़ होएगी डिमांड डिक्रीज होगी क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होंगी परचेस करना इतना ईजी नहीं रहेगा अब तो डिमांड क्या हो जाएगी डिक्रीज़ फिर प्रोडक्शन आपकी फिर क्या हो जाएगी डिक्रीज और एम, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने लग जाएगी उस केस में भी तो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही वैलिड है ये उसके बाद आपका इवेंचुअली पॉजिटिव होता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट फिर बाद में वो भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी एक पॉइंट के बाद राइट सो आई होप फिलिप्स कर भी आपको समझ में आ गया होगा सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए राइट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स राइट ऑप्शन ए प्रोग्रेसिव टैक्स नो ऑप्शन बी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नो ऑप्शन सी वैल्यूटी टैक्स यस सोशल सिक्योरिटी टैक्स नो ऑल राइट सो पहले आपको ये पता होना चाहिए रेसिव टैक्स क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप आई दबे ऑप्शन सी यहाँ पर लेकिन मेन चीज़ आपको जानने वाली है कि रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है रिग्रेसिव टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है सिंपली कि चाहे आपकी इनकम कितनी ही हो सबके लिए टैक्स रेट बराबर हो फॉर एग्जाम्पल जीएसटी सबके लिए टैक्स रेट क्या है सिमिलर है फॉर एग्जाम्पल जीएसटी चाहे आपकी कितनी इनकम हो जीएसटी चाहे अंबानी हो चाहे आप हो सबको बराबर ही टैक्स देना है उसके अंदर राइट right? तो रिग्रेसिव क्यों है बिकॉज लेट्स अगर मैं अंबानी किसी की बात करूं तो उनके लिए उनकी प्रॉपर्टल टोटल इनकम का जो वो जीएसटी पे कर रहे होंगे टूथपेस्ट के ऊपर वो बहुत ही कम होगा लेकिन एक बंदा जिसकी इनकम ही मान लो महीने के दस हज़ार है उसको अगर सौ रुपये भी टैक्स देना पड़ रहा है तो उसकी परसेंट उसकी जो इनकम का अच्छा खासा परसेंटेज बनता है वो राइट सौ रुपये नहीं हज़ार मान लीजिए आप ठीक है दस परसेंट बनता है वो लेकिन जिसकी इनकम ज़्यादा है उनके लिए वो इनकम टैक्स अगर मैं बात करूँ परसेंटेज में बहुत कम बनता है तो इस वे में क्या है रिग्रेसिव एज प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्स आपका होता है कि जब आप जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आपसे टैक्स भी ज़्यादा चार्ज करा जाए सो दैट जो परसेंटेज ऑफ टैक्स यू आर पेइंग

द कंसेप्ट ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट राइट आपसे क्या पूछ रहे हैं कंपेरेटिव एडवांटेज के बारे में पूछ रहे हैं ऑप्शन ए कंट्रीज शुड प्रोड्यूस ओनली वॉट दे नीड ऑप्शन बी कंट्रीज शुड फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स वेयर दे हैव द लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑप्शन सी कंट्री शुड प्रोड्यूस ऑल गुड्स डोमेस्टिकली टू एंश्योर सेल्फ सफिशेंसी और ऑप्शन डी कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स दे कैन प्रोड्यूस फिशियंटली ऑल राइट सो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कंट्री शुड फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स वेयर दे हैव द लोएस्ट ऑपरचुनिटी कॉस्ट अब यहां पर क्या बता रहे हैं आपको ये यहां पर आपको दो वर्ड्स पता होने चाहिए पहली चीज तो क्या यू शुड नो वट इज ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं सीधा सीधा कि मान लो जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स के अंदर लाइक like बहुत सारे पैसे लगाते हो सब्सिडीज एंड ऑल के अंदर लेट्स से कि वही पैसा अगर वो कैपिटल बिल्डिंग में लगाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगाएं तो वो उनको काफ़ी सारे रिटर्न भी दे सकता है आगे जाके लेकिन वही पैसा उनको अपने एक्सपेंडिचर में लगाना पड़ रहा है वो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर लगाना पड़ रहा है तो गवर्नमेंट एक्चुअली उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के उस स्कीम uh, के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो इस जो अपॉर्चुनिटी को छोड़ा उन्होंने वहीं पैसा वो है यूज कर सकते थे तो इसको बोला जाता है क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि भैया आपने एक ऑल्टरनेटिव को छोड़ के दूसरे ऑल्टरनेटिव पे जाना तो जो कॉस्ट पड़ रही थी उसकी उस अपॉर्चुनिटी की उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कंपेरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी है वो सिंपली ये कहती है कि एक कंट्री को वो वाले गुड्स प्रोड्यूस करने एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिसके अंदर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है उनको उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए सो दैट उनको ज्यादा बेनिफिट हो उसका ये और नो सिंपली कंपेरेटिव एडवांटेज ये बोलता है आपको ऑल राइट सो विद दिस सी द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी ओके सो विद दिस वी हैव द एंड ऑफ आवर वीडियो बट जस्ट बिफोर एंडिंग आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू शेयर विद यू विच इज विच इज द माइक्रोवर्स राइट नाउ वॉट इज माइक्रोवर्स माइक्रो कोर्सिस ये अभी पीडिया का एक बहुत अच्छा इनोवेशन है राइट तो इसकी क्या चीज़ है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि रियल एग्जाम्पल से कि मान लो आपका क्वांट का कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका क्या है वीक है लेट्स ए रेशियो प्रोपोर्शन नंबर सिस्टम कोई भी तो अब आपको अगर उस टॉपिक को प्रिपेयर करना है और उसके लिए आप कोई कोर्स सर्च करते हैं तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन क्या आएगा कि भाई पूरा का पूरा आपको कोर्स ही परचेज करना पड़ जाए राइट right, पूरा पूरा एस एस का पूरा कोर्स ही परचेज करना पड़ जाए आपको राइट विच इफ़ यू आस्क मी इज़ नॉट एट ऑल अ कन्वीनियंट ऑप्शन बिकॉज आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक वीक था राइट right? सो so, अगर मैं कहूँ इसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होगा कि आप सिर्फ क्वांट का मॉड्यूल परचेज कर ले आपको वो ऑप्शन मिल जाएगी क्वांट का मॉड्यूल आप बाय कर सकते हैं यू कैन गो फॉर इट राइट डेफिनेटली सेकेंड ऑप्शन आपका पहले से तो बेटर ही है बेटर अफोर्डेबल भी है कन्वीनियंट भी है बट वोट इफाइ टेल्यू देर इज अ थर्ड ऑप्शन अवेलेबल विच इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी जहां पर आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं टॉपिक के लिए पेमेंट भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल रहेगी और अपना जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं दिस इज वॉट माइक्रो कोर्स इज ऑल अबाउट जहाँ पर छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज आपको अवेलेबल कराए जाते हैं रादर देन गोइंग फॉर द कंप्लीट कोर्स राइट सो नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन एक्सेस टू माइक्रो कोर्स राइट जस्ट सेक ओके सो फॉर दैट लॉग इन टू अभी वेबसाइट अभी पीडिया डॉट अभी मनी डॉट कॉम पर लॉग इन करें फ्रॉम हेयर चूज एग्जाम राइट स्क्रोल डाउन एस एस सी सी जी एल एग्जाम राइट अब यहाँ पर स्क्रोल डाउन करें राइट फ्रॉम हेयर सी माइक्रो कोर्सेज माइक्रोकोर्सिस नाउ दी क्लिक ऑन दिस राइट यू हैव टू साइन अप राइट जैसे आप साइन अप करेंगे राइट जैसे आप साइन अप करेंगे आपके सामने सारे के सारे कोर्सेज क्या हो जाएंगे ओपन हो जाएंगे राइट इतने भी कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल है डोंट वरी इसका डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा फ्रॉम वेयर यू तो कैन एक्सेस टू दिस माइक्रो तो कोर्सेज राइट वहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे सारे माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल होंगे नंबर सिस्टम मतलब क्वांट के जी एस के ईच एंड एवरी थिंग विल भी अवेलेबल टू यू ओवर देयर राइट सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड एवर्स एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू